भाजपा ने निकाली जन कल्याण बाइक रैली। भाजपा की जन जागरण यात्रा बाइक रैली का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में उमड़ी समर्थकों एवं ग्रामीणों की भीड़ चंबल सेंचुरी का राजस्थान मध्य प्रदेश की तर्ज पर दायरा कम करने को 3 दिवसीय 90 किलोमीटर की बाइक रैली यात्रा का पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में हो रहा आयोजन। पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बाइक चलाकर हजारों समर्थकों के साथ लोगों को किया जागरूक। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जन जागरण यात्रा बाइक रैली का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। लोगों को मिला जोरदार समर्थन। ब्लॉक पनाहट व जैतपुर क्षेत्र में निकाली जाएगी बाइक रैली यात्रा। नितिन शर्मा, आगरा, समाचार 24। यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है, यात्रा का मुख्य उद्देश्य कहाँ है और कहाँ कहाँ देखिए, ये लोगों में जागृति पैदा करने के लिए चंबल की बाइक से हम लोग जा रहे हैं, जिससे कि अपार समर्थन मिल रहा है। और ये मांग के जैसा सेंचुरी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर है, चंबल के किनारे से राजस्थान में 1 किलोमीटर है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये सेटलमेंट नहीं हुआ है। ये चीफ रिटायर्ड एक चीफ कंजर्वेटर थे, उसने मुझे ये जानकारी दी। हम आदरणीय अपने वन मंत्री के समक्ष रखेंगे और उनसे कहेंगे ये कार्रवाई सुनिश्चित कर ले, तथा लोगों से ये जागृति कह रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं कि आने वाले 22 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और नौजवान जिस तरह से उत्साहित होकर इस साथ जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय होकर जाएगी। इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिल रहा है? आप समूह देख सकते हैं, कम से कम 1000 मोटरसाइकिलें यहाँ हम लोग के साथ ही चल रही हैं। और पूरे ये अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर हम लोग आ पाए हैं और बाकी 10-12 किलोमीटर और हम लोग जाएंगे आज के लिए, और पूरा 90 किलोमीटर ये चंबल के किनारे हम लोग जाएंगे। तो अपार जन समूह भी मिलेगा और हमारी मांग माननीय आदरणीय वन मंत्री के समक्ष भी रखी जाएगी। और साथ साथ ये अपील भी करेंगे, जो प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए हैं, जिसका लाभ वहाँ विधानसभा और को लोगों को मिला है, चाहे आवास हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे आबाद बिजली हो, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है कि 24 घंटे जो बिजली मिलेगी, मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने ऐसा पहले काम किया है।